अच्छा, आज जो हमने गेम बनानी है उसका नाम है गोमू को। इसके लिए ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास एक ग्रिड है। जो ये बेसिकली एक चाइनीज गेम है, और ये स्टैंडर्ड 19x19 की ही होती है। ये 19x19 का ही ग्रिड होता है। इसके ऊपर ये 2 प्लेयर भी हम खेल सकते हैं, और कंप्यूटर वर्सेस हम भी खेल सकते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि मुझे अगर ये बनानी है, ये मुझे गेम मैं बनाना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि मुझे मुझे किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे मेमोरी के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी। चलें बताना स्टार्ट करें। मैम, एक तो इसकी जो लोकेशंस हैं उसको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा पहले। मैम शायद टू ठीक डी है, एरे बनानी पड़े, लोकेशंस को स्टोर करना पड़ेगा। टू डी पहले मुझे एरे ये शायद बताना चाहिए कि इसके लिए। बेसिकली जो, हाँ बेसिकली जो हमें ये जिस जगह पे हमने जो लोकेशन है ना, लोकेशन भी किस चीज़ की लोकेशन, कोई जगह होनी चाहिए ना जहाँ की हम कहते हैं कि ये घर है, इस घर के अंदर ये कमरा है और ये पोजीशन है जहाँ पे चेयर पड़ी होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कमरा है और उसकी पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है। तो बेसिकली हमने पहले ये चीज़ एलोकेट करनी है ना, विच इज़ जो आपने बता दिया है कि एक हमें 2D अरे चाहिए होगी। ठीक हो गया, और क्या चाहिए होगा? सोचें और क्या चाहिए होगा। एक तो हमें अरे चली पता, ये चल गई 2D अरे हमने बना ली। ठीक है, और हमें पोजीशंस भी हमें बता दिया कि हमने जो लगाना है कि हमने इस पोजीशन पे लगाया, और क्या चाहिए होगा? और ये करेक्टर चाहिए होंगे। हाँ, हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए होंगे जो हमने यहाँ पे प्लेस करने हैं। सो बेसिकली एक प्लेयर वन जो होगा, एक उसके पास होगा कैरेक्टर, एक प्लेयर टू होगा उसके पास होगा कैरेक्टर। ठीक है, और क्या चाहिए होगा? ये स्कोर का चाहिए होगा आई थिंक। स्कोर? नहीं, हाँ स्कोर भी ऑफ कोर्स चाहिए होगा, लेकिन इतनी गेम के हम इतना के वो एक एक चीज़ खड़ी हो जाए, देन हम बाद में उसमें स्कोर ऐड करेंगे, चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन जो एक बेसिक के हमें कि वो गेम एक दफ़ा मैं सिंबल प्लेस करूँ और चल जाए, सिंबल प्लेस करूँ और चल जाए। चले हम ना बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम अच्छा सो हमें सबसे पहले मैं हम आते हैं मेन बनाते हैं, और मेन के अंदर हमें मेन के अंदर हमें सबसे पहले बताया आपने कि हमें एक ग्रिड चाहिए होगा जिस पे हम ये करेक्टर प्लेस करेंगे। सो मैं एक बोर्ड बनाती हूँ। अच्छा, अब मुझे आपको पता है कि 2D 2D अरे, अच्छा सबसे पहले ना हम 2D अरे पे आप लोगों ने कितना काम किया है, जरा मुझे ये बताएं। मतलब आपने जो PF में काम, CFP में बस काम किया मैम था, 2D अरे से एलोकेट करना क्या क्या चीज़ सीखना है? मैम बस ऐसे थोड़ा सा किया था, ज़्यादा 1D पे मैम, बस हल्का सा किया इंट्रोडक्शन किया बस, और कुछ भी नहीं किया। जी। मतलब आपको पता है कि अरे कैसे बनाते हैं? पीछे बैकएंड पे पता चलता है कि 2D अरे बनाते हैं तो क्या होता है? नो मैम, अच्छा चलो, फिर हम ना गेम स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा हम 2D अरेज के ऊपर बात कर लेते हैं, ताकि ना अच्छा बेसिकली ना 2D अरेज जो होती है ना, जब हम कहते हैं कि अच्छा बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि जब हम इस तरह से, आपको ये तो पता ही होगा कि हम जब लिखते हैं, सॉरी अबाउट द राइटिंग, क्योंकि आई डोंट हैव पेन, तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरे पास।
नहीं है। अच्छा अगर मैं कोई भी कहती हूँ कि मैंने एक 2D array बनाई है, सो बेसिकली पीछे मेमोरी पे क्या बनता है? जो मेमोरी में ना बेसिकली जो हमें हमें इमेजिन होता है ना, वो हमें इमेजिन ये होता है कि अगर हमने बनाया ना, यहाँ पे हमने 3 पास किया है, तो वो उसने इस टाइप की कोई चीज़ बनाई होगी, और इसके ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, ठीक है। अच्छा हमें जो इमेजिन होता है ना, अगर हम ये लिखते हैं तो वो हमें ये चीज़ इस तरह से इमेजिन होती है, बट बेसिकली वो ये होता है एक तरीके से उसने पीछे स्टोर की होती हैं चीज़ें। मैं उसमें डीप तो नहीं जाऊंगी कि वो किस तरह से होता है, कि बैक एंड पे उसने किस तरह से किया जाता है, वो हम किसी और लेक्चर में रखेंगे। लेकिन बेसिकली जब हम ये लिखते हैं ना, तो हम इमेजिन ये करते हैं कि हमारे पास एक इतने साइज की ग्रिड बन रही है। और इसमें आपको पता है ना कि ये आपने सपोज अगर किसी पैरामीटर्स में आप ये पास कर रहे हो, तो आपको कॉलम्स बताने लाजमी होते हैं, पता है ना आपको ये? कभी आपने 2D अरेज को फंक्शन में पास करके देखा है? अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, जब आप फंक्शन में पास करेंगे ना, तो देखिएगा कि ये मैं ना लिखूं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने सेकेंड इसके अंदर ये मैंने काउंट नहीं ना यहाँ पे बताया होगा, तो वो एरर देगा, ठीक है। अच्छा हम ना इस गेम पे शिफ्ट होने से पहले ना थोड़ा सा 2D अरे पे काम कर लेते हैं। 2D अरे पे इस तरह से काम कर लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आपने सब लोगों ने मैट्रिसेस तो पढ़ी होंगी ना मैथ्स के अंदर, कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 3, 4, 5, 6, ठीक है, और एक है 2, 3, एक ही मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने अपना ये 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, अब मैंने इन दोनों की एडिशन करनी है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि हम किस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे 2D अरेज को यूज करते हुए, और फिर हम उसके ऊपर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ इस तरह से हम चीजें वगैरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा स्ट्रक्ट्स आप मुझे बताएं, स्ट्रक्ट्स सबको समझ में आ गए थे जो सर ने कराए थे? हाँ प्लीज आप मेरी बात सुने, आप ना जवाब दिया करें आगे से। ये बहुत गलत बात है, सर भी आपको कहते हैं, जो पढ़ाने वाला एक टीचर होता है ना, उसको पता चलना चाहिए ना। आप देखिए, मैं अगर आपको गेम स्टार्ट करा देती, मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि आप लोगों को 2D अरेज पे नहीं है आप लोगों की कमांड 2D अरेज पे, आप लोगों को इतनी डिटेल में नहीं पता चीजें। तो मैं अगर डायरेक्ट वो स्टार्ट कर देती तो आप लोगों को कैसे समझ आती? तो प्लीज मुझे बता दिया करें कि आप लोगों को क्या चीज समझ में आई हुई है, क्या चीज आपको नहीं समझ में आई हुई, ताकि फिर उस लिहाज से आपको वो चीज करा दी जाए। आप मुझे बताएं स्ट्रक्ट आपको समझ में आ गए थे? यस मैम, यस मैम, यस ठीक है। अच्छा अब मुझे ना बेसिकली एक मैट्रिक्स बनानी है, जो कि मुझे एक 2D अरे चाहिए जिसमें बेसिकली मैंने ये वैल्यूज रीड करनी है, ठीक है। मुझे एक इस तरह की मैट्रिक्स बनानी होगी, एक ग्रिड बनाना होगा जिसमें मैं जाके वैल्यूज रीड करूं, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं कि हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा हम बनाएंगे एक स्ट्रक्ट जिसका नाम होगा मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मुझे बताएं मुझे क्या क्या चीज रखनी पड़ेंगी। आप लोगों को स्ट्रक्ट आ गया ना, जरा मुझे बताएं ना, मैंने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर वो ग्रिड वाली चीजें हों, वो ग्रिड हो मेरे पास, मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बताएं? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मैट्रिक्स ओके, सो यू के। मीन रोज और कॉलम्स हमें रखने पड़ेंगे, हाँ यस, ठीक है। ओके मैं इंट रोज कहती हूँ, इंट कॉलम्स कहती हूँ। अच्छा और क्या रखना पड़ेगा?
हमने 2D तो मैट्रिक्स एलोकेट ही नहीं की ना, तो बेसिकली हमें एक एक 2D अरे होगी मैट्रिक्स। हाँ हमें एक 2D अरे बनानी पड़ेगी। अच्छा अब मुझे ये बताएं यहाँ पे हमें साइज क्या रखना चाहिए इसके अंदर, क्या मैं यहाँ पे 50x50x50 लिख दूँ? मैम 19x19 मैं वो नहीं, अभी मैं गेम की तरफ नहीं आ रही, मैंने आपको बताया कि गेम हम की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम 2D अरे के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। मुझे ये मैट्रिक्स ये करना है, ये मुझे ये बनानी है। रोज एंड कॉलम रखेंगे। सो बेसिकली मैं ऊपर एक डिफाइन करूंगी कैपेसिटी, या हाँ कैपेसिटी विच इज कह लें आप 100 है, ठीक है। और मैं क्या करूंगी कैपेसिटी बाय कैपेसिटी की एक अरे बनाऊंगी, ठीक है। और मेरे पास 2D अरे होगी और रोज और कॉलम्स बेसिकली बताएंगे कि मैंने कितनी वैल्यूज रीड करी, मतलब कि मुझे कितना एरिया चाहिए, कितना पोर्शन चाहिए उस अरे में से, ठीक है। तो बेसिकली इस ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी 50 साइज की, 0 से लेके 99 तक, सॉरी क्योंकि हमारी कैपेसिटी 100 की है ना, हाँ 100 की है, 0 से लेके 99 तक, 0 से लेके 99 तक, ठीक है। और रोज और कॉलम बेसिकली मुझे बताएंगे कि मैंने इतना पोर्शन लेना है, ठीक है। अच्छा चलें ये तो अब हमारे पास होगी, हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। अब मुझे बताएं कि ये जो मैंने ये बनाया होगा इसमें इसमें क्या वैल्यूज पड़ी होंगी? गार्बेज वैल्यूज पड़ी होंगी। गार्बेज वैल्यूज पड़ी होंगी। अच्छा अब मुझे, मैं ना फाइल से कुछ वैल्यूज रीड करना चाहती हूँ कि मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ऑब्जेक्ट का जिक्र किया है सर ने कि हम बेसिकली स्ट्रक्ट का एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं मेन में और फिर उसके थ्रू हम इसके साथ काम करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फाइल से एक मैट्रिक्स रीड करना चाहते हैं, तो हम फाइल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फाइल? न्यू आइटम, यूटिलिटी, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अच्छा पहली जो मैट्रिक्स है उसकी क्या है, ये है 3 रोज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। सो 2 3 ये हो गई रोज एंड कॉलम्स, और वैल्यूज क्या है, 1 2 3 हम डालते हैं, 1 3 5 और 3 7 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी हमारे पास क्या है, हम कहते हैं 2x3 की ही है और 3 6 9 1 3 7 6, ठीक है। अच्छा अब हमने ये एक टेक्स्ट फाइल बना लिया, मुझे ये वैल्यूज रीड करनी है, ठीक है। और बेसिकली तो मैट्रिसेस ये हैं, तो मैट्रिसेस रीड करनी है और इनकी इनको ऐड करना है मैंने, ठीक है। तो मुझे एक यहाँ पे वैल्यूज रीड करने के लिए मुझे एफ स्ट्रिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा और ठीक है सारा बात सुनो जी, फंक्शंस फिर इधर ही बनाऊं? मतलब मैं ये सोची थी कि इनको 2D अरेज को एक्सेस करना और किस तरह से प्रिंट करना है वो साथ साथ ही आप करवाएंगी। मेरे ख्याल से बाहर ही बनाती हूँ, ठीक है बाहर ही बना लो। अच्छा अब मुझे वैल्यूज रीड करनी है, तो मुझे एक रीड का फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। रीड एक रीड का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मैट्रिक्स टाइप का M1 बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगी, रीड करनी है मैंने वैल्यूज़ और उसमें मैं M1 पास करूँगी,
कि मुझे इसमें वैल्यूज रीड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे एक रीड का फंक्शन बनाऊँ कि मुझे वैल्यूज रीड करनी है, रीड जिसके अंदर एक M1 पास होगा, M1 पास होगा, अब M मुझे ओके यस आ भी है लेक्चर में, ठीक है सही है। हमें इस मैट्रिक्स में हमने वैल्यूज रीड करनी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रीडर बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम उसके अंदर से वैल्यूज रीड करें। सो हम एफ स्ट्रीम रीडर बनाएंगे और उस फाइल का नाम क्या है, वैल्यूज मैट्रिक्स एम को बाय रेफरेंस नहीं पास करेंगे, आप बताएं बाय रेफरेंस क्यों पास करेंगे? जो जो हमने चेंजेस करनी है तो अगर वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर करेंगे तो वो उसके एरे में हो जाएगी चेंज, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में बाय रेफरेंस पास किए थे, लास्ट क्लास में नहीं, जिस तरह असाइनमेंट में पॉलिनोमियल्स को हम बाय रेफरेंस पास कर रहे थे। बाय रेफरेंस पास करेंगे क्योंकि बेसिकली हमने उसकी रोज और कॉलम्स वगैरह की वो जो वैल्यूज हैं वो वहाँ से अपडेट करानी है, तो हम इसको बाय रेफरेंस पास करेंगे। अच्छा, हमने इसका रीडर बनाया और अब हमने क्या करना है, मुझे ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज रीड करानी है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, रीडर एम डॉट, सबसे पहले रोज रीड करनी है ना, सो मुझे रोज रीड करनी है, मैंने रोज लिखी हुई है और फिर साथ ही मुझे एम डॉट कॉलम, ठीक है, ये मैंने वैल्यू इसमें रोज और कॉलम्स रीड कर ली हैं। अब मुझे बेसिकली इस एम के अंदर उतने रोज और उतनी कॉलम्स की वैल्यूज रीड करानी है। सो मैं आर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आर आई लेस देन एम डॉट रोज, आर आई प्लस प्लस, और कॉलम्स का जो लूप है वो कहाँ तक लगेगा, सी आई इज लेस देन एम डॉट कॉलम और सी आई प्लस प्लस। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे रीड करनी है वैल्यूज, रीड करनी है वैल्यूज कहाँ पे, एम की कौन सी एंट्री पे, रो और कॉलम पे, बता दें, आर आई और सी आई पे। तो ये मेरी वैल्यूज एम डॉट एम बेसिकली, हाँ ठीक है। ये क्या एरर था वाला, किसी को पता चला, ये मैंने ये लिखा था तो ये क्यों एरर दे रहा था, वो आपने उसको डॉट लगा के कॉल नहीं किया था वो, हाँ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे इसका नाम भी एम है और इसका नाम भी, क्योंकि मैंने एम रखा हुआ है तो वो इसलिए वो मुझे लगा मैंने वो लिख दिया तो ये एम डॉट एम आना था, ठीक है। उसका नाम चेंज कर दें मेरे ख्याल में, इसको वी कर दें मेरे ख्याल, इसका या मेन इनसाइड वाले का, इनसाइड वाले का, बिकॉज़ वो वैल्यूज है ना, तो मेरे ख्याल में उसको वी कर, ये वाला नहीं, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स स्ट्रक्ट के अंदर जो एम है उसको जो है वी कर दें, या वीज कर दें, वीज कर दें, वीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक
रीड हो गया। अच्छा मुझे अब देख लेते हैं कि हमारी वैल्यूज रीड हुई हैं या नहीं, तो हम डिस्प्ले का एक फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले, और उसमें हम M1 भेजेंगे। डिस्प्ले, इसका नाम डिस्प्ले मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये अब एम पास हुआ, यहाँ पे मैट्रिक्स पास होगी, और ये क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है ओके। यहाँ पे अब मुझे ये डिस्प्ले करानी है, कैसे डिस्प्ले करानी है, सेम मुझे यही काम करना पड़ेगा, और मैं इसको ऐसे, और ये मुझे जस्ट यहाँ पे सी आउट करानी है। ठीक है, आई थिंक स्पेस डाल दें और एंडल डाल दें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारी मैट्रिक्स रीड हुई है। सो हम मैंने क्या किया, वो वैल्यू रीड हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं इसको डीबग मोड में भी जाके देख ले, चला के देख लेते हैं कि जो ये इसके अंदर वैल्यूज जितनी हमने रोज और कॉलम्स बताई थी उतनी ही रीड हुई हैं, बाकियों पे गार्बेज पड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे स्टेप इन करेंगे, स्टेप ओवर करेंगे? मैम स्टेप इनटू, स्टेप इनटू उसकी शॉर्टकट की क्या होती है मैम? F11, F10 मैम, F11 होती है। ठीक है, सही है। अच्छा ये मैट्रिक्स उसने यहाँ पे हम वो ले आते हैं डीबग विंडोज और ऑटोस विंडोज। ठीक है, तो ये देखें अभी उसने वैल्यू रीड नहीं की, अभी उसने क्योंकि कॉलम्स और रोज की वैल्यू रीड नहीं की तो उसमें गार्बेज पड़ा हुआ है। जैसे ही ये लाइन चलेगी तो मेरी रोज और कॉलम्स अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही ये वो फर्स्ट वैल्यू उसने ये यहाँ पे वैल्यू अप आएगी, ये देखें ये वैल्यू यहाँ पे जीरो थ्रो जीरो कॉलम पे वैल्यू अपडेट हो गई है, ये अरे है बेसिकली एम। वीज को ना एम को ओपन कर दें और वीज को भी ओपन कर दें, उसके अंदर वी होगा उसको भी ओपन कर दें, इसको भी ओपन कर दें, सो दे कैन सी द रोज रो बाय रो ना, सो दे कैन एक्चुअली सी। हाँ ये जीरो के जीरो थ्रो के, हाँ बिल्कुल सही, जीरो थ्रो जीरो कॉलम पे वन उसने रीड कर लिया है और बाकी पे सब कुछ इसकी पूरी रो पे गार्बेज पड़ा हुआ है और बाकी कॉलम्स में भी गार्बेज पड़ा हुआ है। उसके बाद जब वो नेक्स्ट वैल्यू रीड करेगा तो ये थ्री यहाँ पे आ गया, फर्स्ट जीरो थ्रो और फर्स्ट कॉलम पे, देन जीरो थ्रो थर्ड सेकंड कॉलम पे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो जीरो कॉलम, और फिर ऐसे ये वैल्यूज इसने तीनों ये पूरी वैल्यूज रीड कर लिए, टू रोज एंड थ्री कॉलम्स। ठीक है, एक्सेलेंट, सो दे कैन एक्चुअली यू शुड बी एबल टू सी कि बाकी तमाम की तमाम मैट्रिक्स जो है वो गार्बेज पड़ी, जिसका मतलब है आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि मेमोरी वेस्ट हो रही है। ठीक है, और हम अगले वीक में जाके इसको हैंडल करें।
ठीक है ओके, अब हम इसकी डिबगिंग रोक देते हैं। अब हम ऐसे ही फटाफट ना दूसरी भी रीड कर लेते हैं, मुझे M2 में भी रीड करानी है मैट्रिक्स। सो बेसिकली मैं ये करूँगी, और मैंने यहाँ पे दो मैट्रिसेस बनाई हैं M2, ठीक है, और मैंने ये दोनों रीड कर ली हैं। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, जो जो ये है ना इसकी, इसके इन दोनों को ऐड करना है बेसिकली। सो कैसे होती है मैट्रिक्स एडिशन कि हम इस, बताएं कैसे होती है, कैसे ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को? हम सेम इंडेक्स वालों को ऐड कर देते हैं। हाँ सेम, जीरो इंडेक्स, जीरो रो जीरो कॉलम, इसको मैंने इसमें ऐड करना है, इसको मैंने इसमें ऐड करना है, ठीक है। सो बेसिकली मैं अब क्या करूंगी, अब मैं जाने लगी हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने लगी हूँ ऐड का, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि आप हम ऐड करके उसको क्या किसी नई मैट्रिक्स में रखवाएंगे और उसको क्या रिटर्न कराएंगे, या हम मेन से भेजें और बाय रेफरेंस वहां से रिटर्न करा दें, बताएं। क्या करें आप, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए मुझे, समझ आइए मेरा क्वेश्चन, समझ में आया है कि मैं क्या करूं, मैं इस तरह से ऐड का फंक्शन बनाऊं। ये देखें मैंने ऐड का फंक्शन बनाना ना, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ऐड का फंक्शन बनाऊं और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स M1 भेजूं, ठीक है, मैट्रिक्स M2 भेजूं, M2 भेजूं, और मैट्रिक्स मैं मेन से ही भेज रही हूँ और वो मैं बाय रेफरेंस भेज रही हूँ M रिजल्टेंट, ठीक है। और क्या होगा, ये मैट्रिक्स यहाँ पे आके रो एलोकेट होएगी, यहाँ पे ही मैं उसको एलोकेट बनाऊंगी, जैसा यहाँ पे मुझे जितनी रोज और जितनी कॉलम्स चाहिए वो मैं यहीं पे बनाऊं और फिर यहाँ से मैं ऐड करके इसमें रखवा दूं, और क्योंकि बाय रेफरेंस आई हुई है तो वो अपडेट हो जाएंगी वैल्यूज। मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए कि मैं यहाँ पे आके एक नई क्रिएट करूँ, मतलब कि मैं मैट्रिक्स रिटर्न करूँ फिर, और यहाँ से फिर मैं ये जो भी मैं रिजल्ट बनाऊंगी और फिर मैं वो यहाँ से रिटर्न करूँ। लेट से मैंने यहाँ पे बनाई है, मुझे बताएं क्या करना चाहिए मुझे। बताएं, सोचें थोड़ा सा क्या करना चाहिए मुझे आपके ख्याल में, मुझे तो दोनों ठीक लगते हैं, आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मैम अगर आप रिटर्न करवाएंगे तो आपको मेन में भी बनानी पड़ेगी फिर से एक मैट्रिक्स। हाँ रिटर्न कराऊंगी तो मुझे उसे मेन में कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो वैसे भी तो मैं अगर यहाँ पे मेन से भेजती हूँ, लाइक सपोज मैं अगर ऐसे भेजती हूँ, सपोज मैंने ऐड का फंक्शन बनाया है, ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे M1 पास करना है, M2 पास करना है और MR भी, तो फिर मुझे वो बनानी है ना। सो दोनों तरीके से हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी, रिटर्न नहीं कराऊंगी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, बेसिकली मुझे ऐड करना है दोनों की वैल्यूज को। सो सबसे पहले तो, और मुझे कहाँ रखवाना है, मुझे इसमें रखवाना है, ठीक है। सो मुझे मुझे सबसे पहले तो एम आर की जो डॉट रोज हैं उनको कितना करना चाहिए, इज इक्वल्स टू, चाहे तो एम वन की कर दें चाहे तो एम टू की कर दें, क्योंकि दोनों सेम सेम साइज की हैं ना, सो हम किसी के भी कर देंगे, ठीक है। ये किया, और एम आर की डॉट कॉलम जो है उसको हम कर देंगे M1 डॉट कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर आर आई इज इक्वल्स टू जीरो, आर आई इज लेस देन एम आर डॉट रोज एंड आर आई प्लस प्लस
and for integer ci is equals to 0, ci is less than mr dot column or ci plus plus. अब क्या करना है, एम आर की जो एम आर डॉट इसके अंदर जो वीज है उसकी आर आई और सी आई पे जाके मुझे क्या रख करना है, मुझे एम वन का, एम वन के अंदर जो वीज है उसकी आर आई और सी आई वैल्यू पकड़नी है, उसको मुझे ऐड करना है M2 की अंदर जो V's है उसका RI और CI पकड़ना है, दोनों को ऐड करना है और उसमें रखवा देना है. बस ये हमारा एडिशन हो गया, दोनों ऐड हो गई होंगी. हम चेक कर लेते हैं, ये M1 है, ये M2 है. यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये हमने ऐड किया. अब हमने डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले मैट्रिक्स, उसमें मुझे आर एम आर भेज देना है रिजल्टेंट. ठीक है, हम इसको चलाते हैं. ये तो डिस्प्ले में हुआ, ये 135372, ये क्या हो गया मैम? उसको बाय रेफरेंस नहीं पास किया. किसको मैम? एमआर को. नहीं तो मुझे ये बताएं, ये इसने वैल्यूज क्यों गलत रीड किए हैं? इसने दोनों में यही रीड कर लिए हैं. ये देखिए ना, ये तो दोनों सेम मैट्रिक्स आ गए. रीड मैट्रिसेस का फंक्शन आपने जब बनाया ना, तो वो जब उसे कॉल करती है वो पहले शुरू से शुरू कर देता है. दोनों मैट्रिसेस में उसने यही किया है. ये समझ में आया क्या मसला है? उसके लिए किसी को समझ, बाकी सबको समझ में आया क्या मसला है? यस मैम. तब इसका क्या, कैसे ठीक करेंगे, क्या करें मैम? बाय रेफरेंस भेज दें स्ट्रीम. एक रीडर का भी एक वो बना के भेजते हैं पैरामीटर. हाँ, दो तरीके हो सकते हैं. हम या तो मेन में रीडर बनाएं और मेन में रीडर बना के भेज दें, ठीक है, या तो फिर हम यहाँ पे बल्कि मेन में रीडर बनाते हैं. हम ऐसा करते हैं, हम इसको उठाते हैं यहाँ से और हम इसको पूरे को उठाते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं यहाँ पे रीडर, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे साथ रीडर भी पास कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे साथ एफ स्ट्रीम का, एफ स्ट्रीम रीडर. अच्छा मुझे बताएं, बाय रेफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस होना चाहिए. सो आई थिंक नाउ, अच्छा ठीक है, और यहाँ पे भी हमें बाय रेफरेंस लगाना चाहिए क्योंकि वो उसने कुछ भी नहीं बनाया. अच्छा अब चला के देखते हैं. ये उसने फर्स्ट, इसमें तो गैप नहीं आ रहा, एक सेकेंड. यहाँ पे जाके ना हम एक दफा सी आउट एंडल कर देते हैं, ठीक है. अच्छा ये दो दोनों मैट्रिसेस उसने रीड किए हैं, और ये 4, ये 9, ये 14, और ये इसने एडिशन कर लिया, ठीक है. आप मुझे बताएं मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है कैसे, वो कैसे होगी? वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगी? नहीं, एग्जैक्टली सेम होगी. क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ वो माइनस हो जाएगा, मैं माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है.
सो बेसिकली हमने क्या किया, अब आपको पता चल गया ना कि हम मैट्रिक्स के मैट्रिसेस के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने ये दोनों कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, इस सब को हम करते हैं बंद, और अब हम चलते हैं गुमको की तरफ। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम मीन मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं गुम को। अच्छा, मुझे अब मुझे ये बताते हैं आपने कि मैंने अगर उसके लिए स्ट्रक बनाना है, ये जो ये गेम थी इसके लिए मुझे स्ट्रक बनाना है, तो मुझे आपने बताना है कि मुझे इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, अब इसका क्या नाम रखूं, बोर्ड रखते हैं नाम। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर क्या क्या चाहिए, सबसे पहले जल्दी से बताएं, सबसे पहले तो मुझे क्या चीज चाहिए होगी, मुझे एक इसके अंदर 2D अरे क्रिएट करनी होगी। ठीक है, अच्छा इंटीजर बोर्ड कितनी बनाऊं, 19 by 19 एट मैक्स, क्योंकि ये 19 होती है, सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और मैक्रो डिफाइन करूंगी, डिफाइन इसका क्या नाम रखें, मैम ग्रिड, ग्रिड रख लेते हैं। ठीक है, और ग्रिड मेरी 19 साइज किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने ग्रिड बाय ग्रिड की अरे बना दिए, 2D अरे, ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं कि और क्या चाहिए होगा मुझे मेमोरी में, और क्या चीज़ अभी आपने बताई थी ना उस वक्त, बताएं जरा दोबारा क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अब देखें ये तो ग्रिड है ना, अब मेरी मर्जी है मैं 3x3 की खेलूं, मेरी मर्जी है मैं 5x5 की खेलूं, सही है, तो वो बेसिकली मुझे डायमेंशन चाहिए होंगी जिस डायमेंशन में मैंने खेलना है। ठीक है, तो मुझे एक डायमेंशन भी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए होगा, फिर रो कॉलम से चाहिए होंगे, रो कॉलम चाहिए होंगे। ठीक हो गया, रो इंटीजर रो RICI। अच्छा मुझे जरा ये बताएं, जो हमने इसके ऊपर ग्रिड, ये जो ये मार्कर्स थे ये जो रख रहे थे, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर। अच्छा, और ये स्टोर कहाँ होंगे, इसी अरे में, इस अरे में स्टोर होंगे ना, तो अगर ये कैरेक्टर होंगे तो ये इंटीजर ग्रिड पे स्टोर हो जाएंगे, करेक्टर अरे बनानी पड़ेगी। हमारा जो बोर्ड है ना वो करेक्टर टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का नहीं होगा, सही है। और हमें जो सिंबल्स चाहिए बेसिकली, अगर सपोज मैं टू प्लेयर्स के लिए बना रही हूँ, टू प्लेयर के लिए मैं बना रही हूँ, तो मुझे करेक्टर जो सिंबल्स है ना, सिंबल्स पी सिंबल्स कह लेते हैं इसको, पी सिंबल कह लेते हैं, वो बेसिकली मेरे पास दो होंगे, उसका साइज दो होगा, ये एक अरे होगी उसका साइज दो होगा, और जो एक सिंबल है वो होगा, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि मुझे जो दो प्लेयर्स खेल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे था ये लिखा हुआ है ना यू एंड कंप्यूटर, सो मुझे दोनों के नाम भी स्टोर कराने हैं कहीं पे। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या करूंगी, एक करेक्टर 2D अरे होगी, क्यों 2D होगी, देखें ये देखें यहाँ पे मैंने क्या, एक अली नाम होता है ना, ALI, ठीक है, और सना नाम होता है SANA, ठीक है, सो बेसिकली एक,
तो ये बेसिकली क्या है? क्या है ये बताएं? ये मैट्रिक्स जैसी फॉर्मेशन है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसके जीरो इंडेक्स पे प्लेयर वन का नाम पड़ा होगा, वन इंडेक्स पे प्लेयर टू का नाम पड़ा होगा। सो बेसिकली मैं जो जो इसकी ये है ना, क्योंकि मैं टू प्लेयर के लिए बना रही हूँ ना, सो मैं क्या करूँगी, मैं ये टू रखूंगी और ये फॉर द सेफ साइड, सेफ एंड पे रहने के लिए ना, कि किसी का नाम 20 लेटर से ज़्यादा नहीं होगा, या सपोज 30 लेटर से ज़्यादा नहीं होगा, इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नाम नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने सिंबल प्लेयर नेम का इस तरह से ये मैंने 2D अरे क्रिएट कर ली। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मुझे ये बताएं और क्या चीज़ें चाहिए होंगी मुझे। निम्रा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग कर ली हुई है उन्होंने? हाँ जी, मैंने यूज की थी। हाँ, यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग जो एक स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है ना, जिस तरह हम इंटीजर एक डेटा टाइप कहते हैं, स्ट्रिंग एक पूरी क्लास है, उसके बैक एंड पे बेसिकली उसने यही करेक्टर अरे ही रखी होती है, लेकिन हमें दिखा नहीं रहा होता, तो पीछे उसने करेक्टर अरे ऐसे ही रखी होती है, लेकिन वो हमें दिखाता दिखा हेलो, हाँ जी अब आ रही है आपके पास। सॉरी वो मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। ओके, सो ये बात मेरी समझ में आई है, जहाँ पे मैं कह रही थी कि उसने कोई मैकेनिज्म रखा हुआ है जिससे वो बता, जिससे उसको पता चलता है कि अच्छा अगर ब्लू वाले की टर्न है ना तो उसने ब्लू सिंबल लगाना, कंप्यूटर की टर्न है ना तो उसने रेड सिंबल डालना। ठीक है, सो बेसिकली हम भी कुछ ऐसा कर, हम क्या करें, ये चीज हम कैसे रखें कि अच्छा एक बंदा अगर अली आया है तो अली की जो टर्न है ना, सपोज मैंने उसको ये सिंबल दे दिया, तो अली की जो टर्न है ना उसके लिए हैश डिस्प्ले हो और सना की जो टर्न है ना उसके लिए स्टार डिस्प्ले हो। सो बेसिकली हमें एक टर्न का वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू या तो फर्स्ट प्लेयर के लिए होगी या सेकेंड प्लेयर के लिए होगी। ठीक है, अच्छा और कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं या हम गेम स्टार्ट करते हैं, हमें आगे पता है? अभी फिलहाल तो मुझे ना, मुझे आप लोगों को कोई समझ में आ रही है तो बता दी, क्योंकि अभी मुझे तो बस यही समझ में आ रही है, इसके अलावा मुझे और तो कुछ याद नहीं आ रहा, कि जहन में नहीं आ रहा कि हमें और क्या चीज़ चाहिए होगी। सो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, हम इसका फ्लो बनाते हैं पहले। बेसिकली गेम क्या चीज़ होती है, गेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि बार बार चल रही होती हैं, और उसके चलने पे उस उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कुछ इनपुट्स जा रही होती हैं और उसकी बेस पे कुछ आउटपुट आ रही होती है, और ये बार बार चीज़ हो रही होती है। इट्स बेसिकली अ लूप, द गेम इज़ बेसिकली अ लूप जो कि बार बार चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इसका फ्लो बनाते हैं कि हम फ्लो में देखते हैं कि हमने ना क्या करना है। मैम हमारे पास कितना टाइम है, आधा घंटा है?
25 मिनट ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं कि हमने हमने ये चीजें जो ऊपर बनाई हैं, ये जितनी जितनी भी सारी चीजें बनाई हैं, अब बोर्ड ये बन तो गया है, लेकिन अब हमने हमने ये डिसाइड करना है ना कि हमने कितनी कितने डायमेंशन का बनाना है और उस प्लेयर्स के क्या नाम है, किसकी टर्न है, कौन से प्लेयर को कौन सा सिंबल मिला। सो बेसिकली ये सारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक गेम स्टार्ट होने से पहले कहते हैं ना कि आपने कोई सपोज लूडो आपने खेली होगी, वो जो एक ऑनलाइन आप हम लूडो स्टार गेम बहुत चली थी, उसमें होता है कि सबके पहले सबके लिए सेट होना होता है कि हम डाइस सिलेक्ट कर लें, कितने लोगों के साथ खेलना, टूर्नामेंट खेलना नहीं खेलना, तो वो बेसिकली इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि एक इनिट का फंक्शन होता है जो ये सारी चीज़ें इनिशलाइज करेगा। सो बेसिकली हमने भी अपने बोर्ड को इनिशियलाइज करना है, तो हम एक इनिट का फंक्शन बनाएंगे, इनिट का फंक्शन बनाएंगे जिसमें मुझे सारी चीज़ें इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं इनिट के फंक्शन में क्या चीज़ पास होनी चाहिए। एक तो बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए बिल्कुल, तो बोर्ड हम यहाँ बना लेते हैं, इसका ना नाम बोर्ड रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बोर्ड टाइप का एक बी बनाते हैं, इसका नाम जी रखते हैं, ग्रिड। ठीक है, एक बी बनाते हैं और वो बी हमने अभी एलोकेट नहीं किया, हम वो बी यहाँ भेजते हैं कि तुम इस इनिशियलाइजेशन के फंक्शन को कहते हैं तुम इसको इनिशियलाइज कर दो। तो मुझे इनिशियलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इनिशियलाइज करनी होगी, मुझे उसकी डायमेंशन जो भी करना होगा वो हम देखते हैं अभी फंक्शन के अंदर क्या करना होगा, लेकिन हमें ये तो समझ में आ गया कि हमने इनिशियलाइज कर लिया चीज़ें, मेरे पास अब ग्रिड भी सेट हो गई है, मेरे पास डायमेंशंस भी सेट हो गई हैं, मेरे पास सिंबल्स के नाम भी प्लेयर्स के नाम भी आ गए हैं, सिंबल्स भी उनको अलॉट हो गए हैं और मेरी टर्न भी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद डिस्प्ले कराना चाहिए बोर्ड को। बिल्कुल, इसके बाद हम फटाफट डिस्प्ले करा देते हैं, डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, और इसमें क्या भेजेंगे, बोर्ड भेज देंगे, चलो तुम डिस्प्ले हो जाओ। आप क्या करेंगे, डिस्प्ले करा लिया, आप क्या करेंगे, फिर किसी प्लेयर को बारी लेनी चाहिए, किसी प्लेयर को बारी लेनी चाहिए। हाँ, अब हमें और देखो अब अगर सपोज आप खेल रहे हो कि अब वो कर्सर अगर ऐसे ही ब्लिंक करी जा रहा है, अब आपको तो नहीं पता कि क्या करना है मैंने, आप एक अननोन प्लेयर हो, सो उसको ये दिखाना चाहिए किसकी टर्न है, उसका सिंबल क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, डिस्प्ले टर्न मैसेज। ठीक है, तो अच्छा आप मुझे बताएं डिस्प्ले टर्न मैसेज में, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, एक बात बताएं, डिस्प्ले बोर्ड के अंदर मुझे पूरा बी भेजना चाहिए या मुझे जो चीज डिस्प्ले करानी है वो भेजनी चाहिए, बताएं जरा ये मुझे। पूरा बोर्ड देखो, पूरा बोर्ड के अंदर तो टर्न भी है, पी नेम भी है, पी सिंबल भी है, मुझे ये चीजें चाहिए होंगी, सिर्फ हमें डायमेंशन और वो अरे चाहिए होगी। हाँ, तो हमें पूरा बोर्ड नहीं भेजना, सो बेसिकली डिस्प्ले बोर्ड के अंदर हम बी डॉट ग्रिड को भेजेंगे और बी डॉट डायमेंशन को भेजेंगे, सो हमें पूरी चीजें नहीं भेजनी। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं और इनिट में क्या हमें सारी चीजें भेजनी पड़ेंगी या इनिट में भी कुछ नहीं जाएगा, शायद टर्न नहीं जाएगी, बाकी तो फिर टर्न भी तो सिलेक्ट होके आएगी ना, लाइक अगर गेम स्टार्ट हुई है तो गेम स्टार्ट होते हुए मैंने कह दिया वो जैसे हम कहते थे हम जैसे अब हम खेलते हैं तो हमने बारी कैसे लेनी होती है लूडो में, कौन पहली बारी लेता है, हम वो पुगन पुगन वो करते हैं ना, वो हाथ उल्टे करके, तो जिस जो जीतता है फिर उसकी बारी होती है। सो बेसिकली किसी को पता नहीं होता, हम एक रैंडम कुछ करते हैं और जो जीतता है वो उसकी बारी होती है। सो बेसिकली टर्न भी हम ये नहीं चाहते कि हम बाइज्ड हो जाएं किसी की तरफ, कि जो पहला बंदा आया है उसी को
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे हम टर्न नहीं सिलेक्ट कराएंगे, तो हम बेसिकली टर्न रैंडमली जनरेट कराएंगे। वो हम देखते हैं हम कैसे करेंगे कि टर्न रैंडमली अलॉट हो, कभी पहले की आ जाए कभी दूसरे की आ जाए, क्योंकि लूडो में भी हम जब खेलते हैं वो ऐसे ही होता है, हमेशा हार्ड एंड फास्ट पहले बंदे की पहली बारी नहीं होती। ठीक है, अच्छा बंदा स्विच करवा देंगे है, समझ नहीं आई मुझे आपने कुछ कहा है या आपका माइक गलती से ऑन हो गया था। अच्छा चलें, खैर डिस्प्ले टर्न मैसेज में हम क्या करेंगे, क्या चीज डिस्प्ले करेंगे, मुझे क्या डिस्प्ले करना है बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर जो क्या है, क्या भेजना चाहिए मुझे, नेम डिस्प्ले कराना ना मुझे बोर्ड के अंदर, मैंने जाना है पी नेम के अंदर, पी नेम के अंदर जो टर्न है, अच्छा मुझे अच्छा एक मिनट क्या भेजना चाहिए, टर्न तो उसके अंदर है और बोर्ड के अंदर जो पी नेम है, वो चली जाए और ठीक है ये देखिए मैंने क्या किया है, जो जो भी जो मुझे एक नेम डिस्प्ले कराना है ना और मुझे बताना है कि उसका सिंबल क्या है, तो मैंने ये लाइन जो मैंने लिखी है समझ में आई है, मैंने क्या किया है कि बोर्ड के अंदर जो नेम की अरे है ना उसमें से भी कौन सा नेम भेजना है, उसमें से आपने जिसकी टर्न है ना वो वाला नेम भेजना है। ठीक है, वो भी हम ये फंक्शन अंदर बनाते हैं ना, फिर हम मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से, इसी तरह से मुझे सिंबल भेजना है, तो जो बी के अंदर पी सिंबल है उसके अंदर से मुझे टर्न वाले का सिंबल, जिसकी टर्न है वो वाला सिंबल भेजना है, मुझे सब कुछ नहीं भेजना। ठीक है, अच्छा मुझे डिस्प्ले करा दिया मैसेज, अब क्या करना है, अब बेसिकली बारी चलने की बारी है कि जिसकी टर्न थी अब वो अपनी मूव चलेगा, मूव कैसे चलेगा, क्या करेगा, हाँ बताएं, आवाज आ रही है मेरी, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई, क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये कह रही हूँ कि हमने टर्न मैसेज डिस्प्ले कर दिया ना, हमने क्या किया, इनिशियलाइज करा दिया, डिस्प्ले करा दिया बोर्ड, हमने कहा प्लेयर वन की बारी है, उसका सिंबल है स्टार, चलो अब तुम बारी लो, वो मैं अब कैसे, वो मुझे क्या कर, अब बारी लेनी है ना, अब जिसकी भी बारी थी सपोज अली की बारी आई है तो वो बारी चल, उसने बारी लेनी है, उसने सिंबल मार्क करना है ग्रिड पे, वो कैसे करेगा, क्या करूं मैं, मैम रो और कॉलम सेंड करेंगे, हाँ सो बेसिकली हमें सिलेक्ट करनी है पोजीशन जिसके ऊपर वो रख सके अपना सिंबल रख सके, सो एक फंक्शन होएगा सिलेक्ट पोजीशन, ठीक है, और सिलेक्ट पोजीशन के अंदर मुझे क्या करना है, अच्छा आप देखें बेसिक, आप मुझे ये बताएं कि जो ये बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहे होंगे ना हम, के तुम बताओ कि कौन सा आर आई और तुमने कौन सा रोज और कॉलम एंटर किया, सो इंटीजर आर आई, अच्छा मुझे बताएं कि एक पोजीशन क्या होती है, आर आई और सी आई होती है ना, सो व्हाई नॉट वी मेक अनदर स्ट्रक्ट ऑफ पोजीशन, पोजीशन और उसके अंदर आर आई और उसके अंदर सी आई पड़ा होगा, ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक पोजीशन
टाइप का एक POS बनाती हूँ, ठीक है? और मैं अब उसे क्या कहती हूँ, ये मैं पोजीशन यहाँ पे भेजूंगी कि तुम ये पोजीशन सेट करके दो। समझ आई ये बात मैंने क्या किया, कि मैंने ये RICI मैंने मेन में बनाने की बजाय मैंने एक पोजीशन का स्ट्रक्ट बनाया और मैंने कहा है कि ये पोजीशन सिलेक्ट करेगा वो, ठीक है? अच्छा आप मुझे बताएं कि पोजीशन इसके बाद क्या होगा। उसने सिर्फ हमें एक रो और इसने एक यूजर ने एक सपोज 6 और 7 एंटर करके दे दिया, लेकिन अगर सपोज करें हमारी ग्रिड थी ही 3x3 की तो फिर तो गलत हो जाएगी, तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, चेक लगाना चाहिए ना उस पर। हाँ सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे ही वो पोजीशन सिलेक्ट करेगा ना हम फौरन से करेंगे वैलिडेट, इज वैलिड पोजीशन, ठीक है? और इस वैलिड पोजीशन के अंदर जो ये वाली पोजीशन है ना उसको भेजेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है? और क्या भेजेंगे, और डायमेंशन भेजेंगे ना जिसे वैलिडेट करेगा। तो बी की बोर्ड के अंदर जो डायमेंशंस हैं वो भेजेंगे और क्या भेजेंगे, बोर्ड के अंदर जो ग्रिड है जी वो भेजें, क्योंकि बेसिकली कहाँ चेक करना है आपने, उस बोर्ड के ऊपर चेक करना है ना, तो वो बोर्ड जिस जगह चेक करना है, लाइक आपको कहा है कि इस वाले बोर्ड पे चेक करो कि ये डायमेंशन आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रही, तो वो वाला बोर्ड भी हमें भेजना होगा साथ, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने, अगर सपोज वो गलत, अगर वो कहता है कि ये वैलिड नहीं है पोजिशन, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको दोबारा कहना चाहिए कि पोजीशन एंटर करो या बस आगे चले जाना चाहिए? दोबारा कहना चाहिए, दोबारा कहना चाहिए। कब तक दोबारा कहते रहना चाहिए? जब तक सही इनपुट नहीं, जब तक सही इनपुट। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, एक बूलियन लेना चाहिए और उस बूलियन की कंडीशन लगानी चाहिए। बूलियन, देखो ये बात क्या है, जब तक कोई काम करना है जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, एक व्हाइल लूप लगाना चाहिए। हाँ सो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक डू व्हाइल लगाना चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे कि तुम काम करो एक, और वो तुमने क्या काम करना है, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक वो वैलिड डेस्टिनेशन सिलेक्ट नहीं करता तब तक तुमने पोजीशन लेते रहना है, ठीक है? ये लूप कब ब्रेक होगा मैम, जब वैलिड पोजीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। वैलिड पोजीशन फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स पे ये चल, फॉल्स पे ये लूप ब्रेक करना चाहिए या चलते रहना चाहिए? मैम फॉल्स पे चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस वैलिड पोजीशन फॉल्स का मतलब है कि वो वैलिड नहीं है। हाँ सो ये तो इस वैलिड पोजीशन, ये लूप तो फिर ऐसे, जब वो इस वैलिड पोजीशन फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये चलते रहना चाहिए। सो यहाँ मुझे नॉट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मैम लगाना चाहिए, नॉट लगाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मुझे ये बताना है ये लूप तोड़ना कब है मुझे। तो जैसे ही वैलिड पोजीशन हुई, वैलिड होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो वो इसका फॉल्स करेगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक हो गया? चलो जी, अब तो सिलेक्ट पोजीशन हो गई, वैलिड भी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन यूजर ने दे दिया, वो हमने वैलिडेट भी कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको बोर्ड के ऊपर रखनी है वो, ठीक है? अब क्या होगा, अपडेट कर दो बोर्ड, ठीक है? बोर्ड अपडेट कर देना अब हमने, इसमें क्या जाएगा? जो सिलेक्ट पोजीशन है वो सिर्फ बाउंड्री चेक करता है या ये भी चेक करता है कि वो पोजीशन वैलिड है या नहीं, जहां पे सिलेक्ट पोजीशन, सिलेक्ट पोजीशन सिर्फ आपको एक पोजीशन देगा, यूजर से एंटर कराएगा, यूजर दे देगा,
इस वैलिड का काम है कि वो उस पोजीशन को चेक करे वो वैलिड जगह है या नहीं. वैलिड इन अ सेंस वो हमें दो तीन काम चेक करने पड़ेंगे कि वो बाउंड्री के अंदर है, जितनी डायमेंशन हमने दी थी वो उसके अंदर है, प्लस वहां पे पहले से कोई करेक्टर तो नहीं पड़ा हुआ. सो ये बेसिकली मल्टीपल वैलिडेशन है जो हम इसके अंदर लगाएंगे. इसके अंदर जब ये बनाएंगे तो इसके अंदर हम बताएंगे कि हमने ये चीजें चेक करनी है. वैलिडेशन का काम इसका नहीं है. जिस तरह फंक्शन ये कहता है कि सिलेक्ट पोजीशन का मतलब है जब तुम पोजीशन दे दो एक सिलेक्ट करके, मैं वैलिडेट करूंगा कि ये ऑथेंटिकेट है या नहीं. ठीक है, ठीक है. तो वैलिडेट वैलिड पोजीशन के अंदर फिर कंप्लीट बोर्ड नहीं जाना चाहिए कि उसने चेक करना है बोर्ड के ऊपर? बोर्ड जा रहा है ना, ये देखो ग्रिड जा रही है, डायमेंशंस जा रही हैं और पोजीशन जा रही है. बोर्ड पे चेक करना है ये, या तो वो मेरी जितनी बेसिकली मेरी जो ग्रिड है, ग्रिड की क्या डायमेंशंस है, 19 से एक्सीड भी नहीं करनी चाहिए. वो मेरी सपोज अगर मैंने 3x3 का बनाया, 3x3 से भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए. और वो मेरी जो पोजीशन है उस पर कुछ पड़ा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि फिर उसको टर्न भी तो चाहिए होगा ना, कि देखने के लिए कि ये किस टर्न. नहीं ना, टर्न क्यों चाहिए होगा, मैं चेक करूंगी कि वहाँ एम्प्टी स्पेस हो, वहाँ डैश पड़ी होनी चाहिए. आई डोंट नीड. और अगर किसी और की पड़ी हो? ओहो, डैश पड़ी होगी ना. ये देखो जो हमारा बोर्ड है ना वो क्या है, किधर गया, कैसे बनाते हैं ये देखो. एड न्यू आइटम और टेक्स्ट फाइल, इसका नाम रखते हैं बोर्ड. जो हमारा बोर्ड है ना, सपोज मैंने उसको कहा है 5x5 की ग्रिड है. सो मेरा जो बोर्ड है ना वो ये है. सो आई जस्ट हैव टू चेक कि वहाँ पे डैश पड़ी होनी चाहिए तो वो वैलिड स्पेस है. इफ वहाँ पे डैश नहीं है तो दैट इज नॉट ए वैलिड पोजीशन. सो आई डोंट नीड टर्न नहीं चाहिए मुझे. मतलब टर्न क्यों चाहिए होगी, टर्न के साथ भी मुझे सिंबल भी भेजना पड़ेगा कि इस टर्न, अगर ये टर्न है तो ये वाला सिंबल. सिंबल का चेक हम लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे डैश पड़ी होनी चाहिए. और मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे क्या रखवाना है वहां पे, सिंबल रखवाना है और किस पोजीशन पे रखवाना है वो भी चाहिए होगा. सो बेसिकली पोजीशन जाएगी मुझे पी मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे बोर्ड के अंदर से जो सिंबल है, सिंबल वाली अरे में से जिसकी टर्न है उसका सिंबल चाहिए. क्योंकि मुझे पूरी अरे नहीं भेजनी, मुझे बस एक सिंबल चाहिए. ठीक है, अच्छा अपडेट हो गया बोर्ड. आप क्या करेंगे? मैं भी सब कुछ दोबारा करेंगे. ये सब कुछ दोबारा करेंगे तो बारी किसकी आएगी जब दोबारा? नहीं, अब वो अगले बंदे की बारी आनी चाहिए ना, अगले बंदे की. सो बेसिकली हम टर्न चेंज करेंगे. टर्न चेंज, ठीक है. और उस टर्न चेंज में हम क्या भेजेंगे, जो करंटली टर्न है ना वो भेज देंगे तो वो उसको अपडेट करके भेज देगा. ठीक है, ओके. अब क्या करेंगे, यही काम हम दोबारा करेंगे. अब मुझे ये बताएं कहां से काम दोबारा, मतलब कि क्या काम रिपीट होगा? मेरा तो डिस्प्ले बोर्ड से ही हो जाएगा या टर्न में से. डिस्प्ले बोर्ड से क्योंकि बेसिकली जब भी कोई बंदा बारी लेके आएगा मुझे आते के साथ ही पहले उसको दिखाना है ना, लाइक मुझे दिखाना है कि ये अभी करंटली ये काम हुआ है. और मुझे मुझे नहीं पता
ये यहाँ पे क्या आएगा, तो फिलहाल जो है ना मैं तो इसको अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या आना चाहिए, तो मैंने इसको ट्रू रखा है कि हमारी ये गेम चल जाए। ठीक है, अब जब हम जल्दी से ये फंक्शंस लिखते हैं कि मुझे आप फटाफट लिखवाते जाएं कि ये फंक्शंस किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं इनिशियलाइजेशन का फंक्शन। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से, ये क्या होगा, क्या क्या करना होगा हमें इसमें, जल्दी से बताते जाएं। मैम एक 2D अरे पे कुछ रखवाना होगा। सबसे पहले हमने हमें हम मैंने ये दिखाया ना, मैंने कहा था मैं हम यहाँ से रीड करेंगे बोर्ड, तो बेसिकली ये बोर्ड है जो मुझे रीड करना है, डायमेंशंस रीड करनी है और साथ ही के साथ बोर्ड रीड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आके एफ एफ स्ट्रीम का एक रीडर बनाऊंगी। ठीक है, और उसका जो नाम है वो होगा बोर्ड डॉट टीएक्सटी। ठीक है, मैं फटाफट रीडर के अंदर वैल्यूज रीड करूँ, डायमेंशन रीड करूँगी। सो बेसिकली बी डॉट डायमेंशन के अंदर मुझे वैल्यू रीड करनी है, और मुझे क्या करना है, मुझे बोर्ड की हर उस ग्रिड पे वैल्यू, तो मुझे हर लोकेशन पे इंडारा इज इक्वल्स टू 0, आर आई इज लेस देन बी डॉट डेम और आर आई प्लस प्लस, फॉर सी आई इज इक्वल्स टू 0, सी आई इज लेस देन बी डॉट डेम सी आई प्लस प्लस। ठीक है, और मुझे क्या करना है, रीडर के थ्रू वैल्यूज रीड करानी है किसके अंदर, बोर्ड के अंदर जो ग्रिड है उसकी आर आई और सी आई। ठीक हो गया, हेल्प दे रही है। मैंने क्या किया, ठीक है, चलो ये हमारी हो गई, बोर्ड रीड हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने और क्या काम थे जो इनिट के फंक्शन ने करने थे, टर्न टर्न को करना पड़ेगा, रैंडमली जनरेट। को रैंडमली जनरेट करना पड़ेगा। और देखें ये हमने एलोकेट कर लिया, ये भी हमने एलोकेट कर लिया, आई थिंक ये जो ये थी ना, ये अब हमें यहाँ नहीं जरूरत है इसकी। डू यू अग्री के बोर्ड के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मुझे नेम एंटर करानी है ना, सो मुझे बेसिकली यहाँ लिखना होगा सी आउट प्लेयर प्लेयर्स प्लेयर वंस नेम। ठीक है, प्लेयर वंस नेम, और सी इन कराएंगे हम किसके अंदर, जो बोर्ड है ना उसके अंदर, कहाँ पे था, पी नेम की 0th लोकेशन पे। ठीक है, और आप साथ ही मुझे प्लेयर टूज का भी नाम एंटर करवाना है, उसको फर्स्ट लोकेशन पर रखवा देना। ठीक है, दोनों प्लेयर्स के नाम भी एंटर हो गए, आप क्या करना है मुझे, मैम नेम के साथ थोड़ा सा स्पेस दे दें। क्या चीज, प्लेयर वन नेम है ना, उसके साथ थोड़ा सा स्पेस दे दें। ठीक है, ठीक हो गया, स्पेस दे मैम दिया। हम यहाँ पे सी एन यूज करें नेम्स के लिए, तो फिर हम स्पेसेस तो नहीं दे सकेंगे नेम के अंदर। हाँ, तो बस फर्स्ट नेम डाल दें, अली लिख दें, ओके पूरा नाम ना लिखे ना आपने, कब अपने गेम में पूरा नाम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मुझे टर्न सेलेक्ट करानी है। ठीक है, तो टर्न बी डॉट टर्न
इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? अच्छा आपको पता है रैंडम रैंडम फंक्शन का पता है आपको? एक रैंड का फंक्शन होता है ये ना, बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट करता है। आप लोगों ने यूज किया कभी पहले? इसमें मैं भी असाइनमेंट में किया था। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। अच्छा रैंडम का फंक्शन जो होता है ना बेसिकली वो क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है और हमने भी एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, लेकिन वो हमने उसको बताना है कि हमने उसको किस रेंज में जनरेट करना है। सो हमने उसको उसका मॉड लेंगे ना 2 से, सो वो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो जब हम किसी का मॉड लेते हैं, जिस नंबर से लेते हैं, तो वो उससे हमेशा एक कम आता है। मतलब सपोज 5 से मॉड लेते हैं ना तो 4 तक वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो मुझे 2 से मॉड लूंगी तो ये मुझे या तो 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। ओके तो ये मेरा इनिट का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले पोर्ट का फंक्शन बना लेते हैं। इनिट का तो हो गया, डिस्प्ले बोर्ड का फंक्शन बनाते हैं फटाफट। डिस्प्ले बोर्ड जी वाइट के अंदर हम, अच्छा ये ग्रिड है। अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे क्या चीज पास हो रही है, ये मैंने क्या पास किया, ये मैंने बोर्ड पास किया है। नहीं, ग्रिड किया। हाँ सो मुझे बेसिकली करेक्टर टाइप का एक 2D अरे पास करनी पड़ेगी, विच इज बेसिकली ग्रिड, या हमें क्या कहना चाहिए, बोर्ड कहना चाहिए, बोर्ड नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, छोटा बी कह लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए, अब ये मैंने 2D अरे पास करनी है ना, तो ये मुझे यहाँ पे एरर देता है कि ये आपने सेकंड पैरामीटर लाजमी बताना है, एन अरे मे नॉट हैव एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप, मतलब कि ये वाली वैल्यू देना जरूरी होती है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने क्या बनाया था, मैक्रो ग्रिड बनाया था ना, तो हम यहाँ पे ग्रिड भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब डायमेंशन क्या चीज है, डायमेंशन एक इंटीजर है ना, सो मुझे int डायमेंशन d, ठीक है। अब मुझे सेम एग्जैक्टली यही काम करना होगा, जस्ट मुझे यहाँ पे सी आउट करना है। बी डॉट डिम नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जस्ट डी करेंगे, क्योंकि हमने डी भेजी हुई है। और ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये उसने डिस्प्ले करा दिया। अब हम डिस्प्ले टर्न मैसेज। अच्छा क्या हम इतना चला के देख लेंगे क्या हमारी इनिशियलाइजेशन हो रही है सही से या नहीं, इसको करते हैं हम कमेंट थोड़ी देर के लिए। तो हम ना जरा चला के देख लेते हैं कि क्या हमारा बोर्ड डिस्प्ले कर रहा है, वो रीड कर रहा है बोर्ड। Player one name Ali और सन्ना, बोर्ड तो डिस्प्ले नहीं किया उसने, क्यों नहीं किया डिस्प्ले, डिस्प्ले कॉल किया, हाँ ये कॉल हुआ है, कहाँ गलती है, ये बोर्ड हमने बाय रेफरेंस नहीं भेजा हुआ। ये तो उसने सारी सामने लाइंस प्रिंट कर दी हैं। सो बेसिकली क्या मसला है, क्या मसला भला, हैंडल नहीं किया डिस्प्ले में। हाँ डिस्प्ले में हमने यहाँ पे हम एक स्पेस, दो स्पेसेस डालते हैं और यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं
cout and del, ठीक है, सो वो आप सही से डिस्प्ले कर देगा। और ये क्या किया उसने, ये क्या किया, मैं स्पेस की ASCII वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। स्पेस की ASCII वैल्यू प्रिंट कर रहा मैं भी, आपके डबल कोटेशंस नहीं यूज होंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले कर रहा है बोर्ड। तो आपने कभी भी ये नहीं होना कि सारा कोड एक दफा से लिख के और फिर उसको टेस्ट करना है, आपने उसको साथ साथ चेक करना है कि मेरा साथ साथ आप चेक करते जाएंगे तो आपके साथ साथ एरर निकलते हैं, नहीं तो एंड पे जाके वो फिर डर जाता है बंदा, कितने सारे एरर आ रहे हैं हम कैसे करें। अच्छा, अब डिस्प्ले टर्न मैसेज करना है, ठीक है, ओके। सो डिस्प्ले टर्न मैसेज, सो डिस्प्ले टर्न मैसेज में क्या करेंगे, ये एक नेम आ रहा है ना, तो ये बेसिकली ये क्या चीज पास हो रही है यहाँ पे, मुझे क्या पास करना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का व्हाट, क्या होगा ये, अरे की कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर बेसिकली हम ये एक पूरा पास कर रहे हैं, ये पूरा अली का नाम, ठीक है, सो बेसिकली ये एक पूरी नेम अरे है, इसको लिखेंगे एक नाम, ठीक है, ये पूरी अरे नहीं है, ये एक नाम पास हो रहा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक सिंबल, कि एक सिंबल पास हो रहा है, ये पूरी अरे पास नहीं होगी। सो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे टर्न मैसेज सी आउट, सी आउट व्हाट करेक्ट एक नेम, और हम यहाँ करेंगे सिंबल इज इक्वल्स टू एक सिंबल, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये डिस्प्ले टर्न मैसेज हो गया हमारा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पोजीशन, सिलेक्ट पोजीशन क्या करेगा, इसको एक पोजीशन टाइप का स्ट्रक्ट पास होगा, पी पास होगा, और वो क्या करेगा, सी इन कराएगा यूजर से, सी इन कराएगा, क्या सीन कराएगा, पी डॉट आर आई, पी डॉट सी आई। अच्छा, मुझे यहाँ पे जब ये आप डिस्प्ले मैसेज, डिस्प्ले टर्न मैसेज और डिस्प्ले ये कराएंगे ना, तो आई थिंक आपको इसके आगे ना ये भी कर देना चाहिए कि आपने किस फॉर्मेट में इनपुट देनी है। सो बेसिकली आप उसे अगर यहाँ पे बता दें, यहाँ पे करें एंडल और फॉर्मेट लिखें यहाँ पे आप ये, और यहाँ पे आपने बताना उसको कि आर आई एंटर करो और सी आई एंटर करो, ठीक है, तो ये आपने उसको फॉर्मेट बता दिया कि आपने इस तरह से इनपुट देनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जब हम ये जो आर आई और सी आई एंटर करेंगे, तो सपोज उसने एंटर किया है, हमारी ग्रिड क्या होती है, हमारी ग्रिड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम आए
हमारा सपोज हमारे पास 3x3 की ग्रिड है, ठीक है। अब अगर देखें उसने क्या, अगर यूजर ने एंटर किया है 0 रो और 2 कॉलम, क्या मतलब है इसका 0 रो 2 कॉलम, ये वाला डब्बा, ठीक है। ये तो प्रोग्रामर को पता है ना कि हमारी गिनती 0 से स्टार्ट होती है अरे में। ये एक अगर आपका छोटा बहन भाई खेल रहा है गेम, उसको तो नहीं पता कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। सपोज अगर वो एंटर करे, एक आपका छोटा भाई एंटर करता है कि आपने 1,1 पे लगाना है, तो उसके लिए 1,1 क्या है? उसके लिए 1,1 तो ये है ना, हमारे लिए 1,1 ये है, ठीक है। सो आपने ये, मेरी बात समझ में आई है मैं क्या कह रही हूँ, कि हमने यूजर को नहीं बताना कि हमने पीछे से अरे 0 से हमारी स्टार्ट हो रही है, वो हमारा हमारी हेडेक है कि हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। सो हमने जैसे ही एक इनपुट आए, एक वो पोजीशन देगा ना, हमने ऐसे ही ना पी आर आई सी आई को ना माइनस माइनस कर देना, ठीक है। ये बाय रेफरेंस बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया मैंने क्यों माइनस माइनस किया है? माइनस माइनस ये होगा कि अगर सपोज वो एंटर करेगा ना 1,1, वो एंटर तो 1,1 करेगा, लेकिन वो हमारे उस यूजर के लिए वो ये होगी जगह, हमारे लिए वो ये नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरी? यस मैम। अच्छा, अब सिलेक्ट पोजीशन भी हो गया, अब मुझे क्या करना है, इज वैलिड डेस्टिनेशन। क्या मैसेज, ये मैसेजेस आ रहे हैं कोई? अच्छा, इज वैलिड मैम, हमारी 3 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास है और उसमें क्विज भी है, तो काइंडली आप। यस मैम। अच्छा, तो फिर अभी तो ये रहता है थोड़ा काम, बल्कि काफी काम रहता है मैम। मैं भी ये लैब में अगर कल कर लें, कल वैसे तो सर ने दूसरी गेम करानी है। अच्छा, मुझे आप 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट में मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ मैम। 45 पे क्विज स्टार्ट हो जाना है हमारा। अच्छा चलें, ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी फिर आपने, क्योंकि ये बनानी है आपने, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, आप लोग उसे देख, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप फिर रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, जिसने जाना है वो चला जाए, जिसकी क्लास है, जो यहाँ पे रुक सकते हैं वो रुक जाए, ठीक है। नहीं, ये आज ही कम्प्लीट करवानी जरूरी है, क्योंकि ये अभी एक फ्लो में चल रही है ना, ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसने जाना है वो चला जाए, फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। अच्छा, इस वैलिड पोजीशन में, इस वैलिड पोजीशन में हमें बेसिकली एक पोजीशन पास होगी, और मुझे उस पोजीशन को चेक करना है कि वो ग्रिड के अंदर भी है, क्या मेरी डायमेंशंस के अंदर है, तो वो वैलिड है, और वहाँ पे कोई सिंबल भी नहीं पढ़ाना चाहिए, जैसे भी हमने पहले भी डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे अब मुझे करेक्टर डायमेंशन पास होगी, ग्रिड पास होगा, ठीक है, करेक्टर ग्रिड पास होगी, और यहाँ पे ठीक है। अब मैंने इसको किस तरह से वैलिडेट करना है, कि जो मेरी पी की आर आई शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, एंड पी की सी पोजिशन का जो कॉलम है वो भी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक तो मेरी कंडीशन हो गई ये कि ये होने चाहिए। अच्छा, एक चीज बताएं, सब लोग हैं या चले गए हैं कुछ लोग? जी मैम, पूछे, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए?
मैम ग्रेटर देन नहीं, अगर वो जीरो रख करता है तो जीरो भी तो वैलिड है ना मैम, वो माइनस वन हो जाएगा. सारा मेरी आवाज आ रही है? जी मैम भाई है. मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार. अच्छा एक चेक तो ये हो गया कि हमें जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और डायमेंशन से लेस होना चाहिए. और तीसरा चेक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि वो जगह एम्प्टी होनी चाहिए. सो बेसिकली जो मेरा बी है ना उसकी पी डॉट आर आई और P dot CI पे should be double equals to what? That space dash. Dash है ना basically ये हमने यहाँ dash रखवाई हुई है. So it should be equals to dash. अच्छा अब मुझे बताएं is valid position void होना चाहिए क्या? इसमें आपको क्या कुछ return नहीं करना? Boolean होना चाहिए. True या false return करें. True या false return होगा. अच्छा तो बेसिकली मैंने क्या कहा है कि इफ ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो मैंने रिटर्न ट्रू करना है. राइट एक तो तरीका ये होता है इसको लिखने का. एक तरीका ना बड़ा एक तो ये हो गया कि इफ वो ये चेक करे और फिर ट्रू रिटर्न करे. एक ना तरीका बड़े मजे का होता है कि आप ना क्या करते हो, आप डायरेक्टली क्या लिखते हो, आप डायरेक्टली लिखते हो रिटर्न टेस्ट. बस रिटर्न ये पूरी आगे आपने कंडीशन लिखी हुई है. इसका क्या मतलब है कि वो इसको अब बीच में क्योंकि एंड लगा हुआ है ना तो ये ट्रू सिर्फ एक केस में रिटर्न करेगा जब ये सारे ट्रू होंगे. अगर एक भी अगर फॉल्स होएगा ना तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि एंड स्टेटमेंट्स लगी हुई है. सो तो ये बताने का मतलब ये है, मकसद ये था कि एक आप एक चीज को ना डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हो. इफ के साथ भी लिख सकते थे, इफ एल्स के साथ भी लिख सकते थे कि इफ दिस रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स. ठीक है और अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं तो भी ये बात ठीक है कि जब ये ट्रू होंगी हर कंडीशन तो ट्रू रिटर्न करेगा. किसी एक भी कंडीशन कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स रिटर्न करते. ठीक है ये समझ में आ गया मैंने रिटर्न क्यों लिखा है. आ गया समझ? यस मैम. ओके अच्छा अब मुझे अपडेट बोर्ड करना है. अपडेट बोर्ड में क्या करना चाहिए मुझे? सब एक तो पोजीशन पास होनी है. ठीक है पोजीशन टाइप का पी पास होगा, ग्रिड पास होगा, बेसिकली करेक्टर टाइप का बोर्ड पास होगा. ठीक है और क्या पास हो रहा है? एक
जिसकी टर्न है वो सिंबल पास हो रहा है क्योंकि बेसिकली वो हमने वहां रखवाना है, तो यहाँ पे बेसिकली एक सिंबल आएगा. ठीक है, ओके. तो अब बेसिकली अपडेट बोर्ड के अंदर क्या होगा कि मुझे बेसिकली बी के अंदर जाना है और पी डॉट आर आई पी डॉट सी आई इज इक्वल्स टू उस एक सिंबल के. ठीक है, अच्छा अपडेट बोर्ड हो गया. ये तो बहुत ही एक एक लाइन के फंक्शन थे, तो बिल्कुल छोटे छोटे फंक्शन थे. अच्छा अब टर्न चेंज क्या होगा, टर्न चेंज में हम क्या करेंगे. बेसिकली टर्न चेंज में ये एक जो टर्न पास हो रही है वो इंटीजर टी है. ठीक है, टर्न है. अच्छा अब मुझे बताएं टर्न चेंज के अंदर क्या 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 लिखने हैं, हमने क्या काम करना है इसके अंदर. हमने अगर टर्न जीरो है तो सो वन हो जाना चाहिए, अगर वन है तो जीरो हो जाना. तो वो कैसे करेंगे, क्या लिखूं, कैसे करेंगे. एक इफ स्टेटमेंट लगा दें, अगर जीरो है तो टर्न इज इक्वल टू वन एल्स जीरो. अच्छा तो अगर सपोज मेरे छह प्लेयर्स खेल रहे हुए फिर तो छह इफ लगाओगे फिर टर्न को प्लस प्लस करा देंगे या इंक्रीमेंट शायद करवा दें. टर्न को प्लस प्लस कराएंगे तो वो तो हमेशा बढ़ती जाएगी, वो तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. छह प्लेयर खेल रहे हैं तो सेवन हो जाएगी, एट हो जाएगी, नाइन हो जाएगी. मॉडुलस भी होगा ना, मॉडुलस लिया होगा. टर्न प्लस प्लस और फिर टर्न प्लस इक्वल्स टू वन मॉड मॉड क्या मॉड टू लेट सपोज, क्योंकि मैं उसके साथ टर्न इज इक्वल्स टू ऐसे लिख देते हैं टर्न प्लस वन मॉड टू. ठीक है, ओके. सो ये हमारी टर्न चेंज भी होगी. आई थिंक अब हमारी गेम इतनी तो है कि ये चलनी चाहिए कि मैं सिंबल रखूं और सिंबल को डिस्प्ले कराना चाहिए उसको, और जब दूसरे टर्न दूसरे प्लेयर की बारी आए तो दूसरे की बारी आनी चाहिए. प्लेयर्स नेम मैं लिखती हूँ निम्रा और सारा, और सारा स्टर्न सिंबल है स्टार. मैंने बताना है टू, हाँ सारा ने बताना है टू टू. ये देखें टू टू पे वो उसने स्टार लगा दिया, लेकिन उसने टर्न चेंज नहीं की, सारा की दोबारा टर्न आ गई है. ये क्या हुआ, क्या हुआ ये. मैम बाय रेफरेंस पास नहीं किया गया. यस, हमने टर्न को बाय रेफरेंस पास नहीं किया. तेज हो गया बच्चे सारे, सारे बच्चों के पता चल जाते हैं. आप जो लेक्चर दे रही हो. ओके, सो सारा बताओ. एट एट. भाई पहले सही वाला तो बता दो. भाई सही वाला केस तो चला दो पहले, सबर करो. देखो ना चल गया, वो देखो टर्न चेंज हो गया, टर्न चेंज हो गई है टू कॉमा थ्री. तो वो यहाँ पे हैश डिस्प्ले कर रहा है. ओके, सो अगर हम गलत इनपुट देते हैं टू कॉमा नाइन सपोज, सो वो अगेन उसने नहीं उस वो बेसिकली वो उसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया, बट वो कर्सर रिमूव. तो बेसिकली हमें यहाँ पे ना एक मैसेज भी डिस्प्ले कराना चाहिए. बेसिकली हमें यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहिए कि
यहाँ पे सी आउट सिलेक्ट पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे हमने मैसेज इसलिए कराया कि सिलेक्ट पोजीशन और उसके बाद फिर वो डिस्प्ले करा, एक सेकेंड, अच्छा सिलेक्ट पोजीशन और यहाँ पे हमें ठीक है सही है। अच्छा एक चीज और कि ये जो एकदम गंदा सा दिखाता है ना हमेशा, हमें पिछली टर्न्स भी दिखा रहा है, मैं नहीं चाहती कि मुझे पिछली हमेशा टर्न दिखा रहा है। सो बेसिकली जो बोर्ड डिस्प्ले है ना यहाँ पे आके मैं ना सिस्टम वो क्या होता है क्लियर स्क्रीन वाला CLS, ठीक है, तो हमेशा क्लियर स्क्रीन कर देगा। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, देखिए हमारी गेम पूरी चलने लगी है, देखिए एक सेकंड इसको गलत केस पे चला के देखें, गलत केस पे ये चल रही है सही। ओके निम्रा और सारा, और सारा की टर्न आई है और सारा ने लगाया है 2.9 पे सेलेक्ट पोजीशन, उसने अगेन कह दिया, ठीक है। सो व्हाट इफ 2.3 और उसने ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं उसे कहती हूँ 9.9, वो मुझे दोबारा कहता है, मैं उसे 90.90 कहती हूँ, वो मुझे दोबारा कहता है, मैं उसे 12.8 कहती हूँ, मुझे दोबारा कहता है। तो बेसिकली वो हमेशा मुझसे गलत इनपुट पे इनपुट मांग रहा है, ठीक है। अब बेसिक गेम तो हमारी चल गई है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक सेकंड जरा, एक सेकंड होल्ड, अच्छा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की कोई क्लास तो नहीं है, मुझे आप 5 से 10 मिनट और दे सकते हैं, मैं आपको इसको विन काउंट, विन और ड्रॉ का भी केस बता दूं। मेरी क्लास चल रही है, मैम क्लास स्टार्ट हो चुकी है 20 बैच की। चलें ठीक है फिर, आई थिंक ये जो है ना विन काउंट, ये बेसिक आपने ये बनानी है, इसके आगे फिर जो विनिंग वाली कंडीशन है और जो ड्रॉ वाली चीजें हैं ना वो फिर आपने ट्राई करनी है। प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप लोग सोचें कि ये किस तरह से होगा। ड्रॉ तो बहुत इजी है कि बेसिकली आपने हर बोर्ड पे चेक करना है कि क्या कोई एम्प्टी स्पेस तो नहीं पड़ी हुई। ड्रॉ ये होता है ना कि आपके पास कोई प्लेस नहीं है चलने के लिए, अगर एक भी प्लेस है तो ड्रॉ नहीं हुई। सो बेसिकली ड्रॉ का फंक्शन सिर्फ ये करेगा कि आपको, आपने चेक करना है पूरे के पूरे ग्रिड में कि कहीं डैश तो नहीं पड़ी हुई, तो वो सिंपल दो नेस्टेड लूप्स हैं और उस पर आपने बस चेक कर लेना है कि सेम एग्जैक्टली यही है कि जिस तरह आप प्रिंट कराते हो ना, आपने ये करना है और चेक कर लेना कि इफ कोई भी एंट्री डबल इक्वल्स टू डैश के है तो रिटर्न फॉल्स कर देना कि ड्रॉ नहीं हुई, ठीक है। ड्रॉ सिंपल ये है और एक फंक्शन होता है इज विन का फंक्शन। सो विनिंग हम कैसे चेक करते हैं, बेसिकली हम ये कहते हैं ना कि अगर 5x5 की ग्रिड है कंजेक्यूटिव, किसी ने जितना मैंने विन काउंट रखा है, सपोज मैंने 3 रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, तो कंजेक्यूटिव मुझे उसने उतने ढूंढने होते हैं हर डायरेक्शन में कि कहीं इसमें तो नहीं है, इस डायरेक्शन में तो, सपोज यहाँ पे मैंने चेक करना है तो मैंने चेक करती हूँ, मैं इस डायरेक्शन में भी चेक करती हूँ,
मैं उसको इस डायरेक्शन में भी चेक करती हूँ, मैं उसको इस डायरेक्शन में भी चेक करती हूँ, मैं उसको इस डायरेक्शन में भी चेक करती हूँ, मैं उसको हर डायरेक्शन में चेक करने की कोशिश करती हूँ कि कहीं कहीं विंड काउंट के इक्वल कंजेकटिव तो नहीं होंगे। सो आप बेसिकली आपने उसको हर डायरेक्शन में चेक करना है। इसको ट्राई कीजिएगा, जितनी मैंने बताई है ये तो आप लोगों ने बनानी है, उसके अलावा ड्रॉ और विन आप लोग ट्राई कीजिएगा, बाकी फिर हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।